बरेली विकास प्राधिकरण दिवाली पर लोगों को देने जा रहा है तोहफा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण जी जान से लगा हुआ है। बरेली विकास प्राधिकरण रामगंगा परियोजना के तहत लोगों को मकान आवंटन करने का मन बना चुका है, जिसको लेकर सोमवार को बीडीए उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने बताया कि हमारी बरेली में चल रही रामगंगा परियोजना में 4 चांद लगने के लिए उसका पंजीकरण 10 नवम्बर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक रहेगा। जिस किसी को भी इस योजना का लाभ लेना है तो वह लोग ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए, जो हमारा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके तहत जो रामगंगा नगर आवासीय योजना के तहत हम लोग प्लॉट्स का जो दिवाली के इस त्यौहार पर लॉन्च कर रहे हैं, लगभग 919 हमारे आवासीय प्लॉट हैं, 233 हमारे फ्लैट्स और मकान हैं। इसके अलावा हमारे 54 जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट नगर और रामगंगा योजना में ही हैं, इसके आज यहाँ पर प्रेस वार्ता बुलाई थी। इसके लिए हमारे जो रेट हैं लगभग आवासीय प्लॉटों के 16,660 स्क्वायर मीटर के हिसाब से हैं। इसमें हम लोग सेक्टर 3, 4, 5, 6, 7 और 9 को लॉन्च कर रहे हैं। हमारा जो 45 मीटर चौड़ाई का जो रोड था उस पर भी कार्य चालू हो चुका है। साइंस पार्क का भी कार्य हमारे मौके पर चालू हो चुका है। जो भी यहाँ पर हमारे बरेली वासी हैं, जो भी इच्छुक आवेदन करता है, जो भी एक सपना रखते हैं कि एक भूखंड उनका हो और एक उनका घर हो, तो उसमें आवेदन वो 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर या फिर हमारा जो हेल्प डेस्क है उसके व्हाट्सएप नंबर पे और या ऑफलाइन से भी वह आवेदन कर सकता है। उसका ऑनलाइन कराने का सुविधा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में हम लोगों ने हेल्प डेस्क के जरिए किया है। देखिए देखिए, रामगंगा जो योजना है, आप लोग जैसे जान रहे हैं कि बरेली में अब एयरपोर्ट भी आ गया है। रामगंगा जो योजना है उसका अगर हम लोग भूगोलिक स्थिति देखें तो एयरपोर्ट से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है और सैटेलाइट बस अड्डे से और रेलवे स्टेशन से भी बहुत निकट है, लगभग 10 से 5 मिनट के रास्ते पर है। इसके अलावा जो आसपास का जो विकास है वहाँ पर, दोनों ओर से हमारा हाईवे गया हुआ है। हमारा पूरा डेवलपमेंट का जो प्लान है, इसमें जो अथॉरिटी को करना है, चाहे बिजली का काम हो, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट का हो, चाहे ड्रेनेज का काम हो, चाहे रोड बनाने का काम हो, उसका लेआउट प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया है। जैसे ही हम लोगों के वित्तीय संसाधन इस सेल आउट से आते हैं, तत्काल हम लोग वहाँ पर काम चालू कराएंगे। ठीक है।